दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आंवला के अनजाने नुकसान क्या है। तो देखिए दोस्तों, आंवला एक बेहतरीन औषधि है और ये खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है। और ना दोस्तों, इसे आंवला और आंवला दोनों नामों से पुकारा जाता है। वैसे सर्दियों में आंवला खाने के काफी फायदे होते हैं, ये आप जानते हैं नहीं ना? तो देखिए दोस्तों, ये विटामिन सी से भरपूर आंवला जो है ना, आंखों, बालों और सती त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे आपके बाल काले, घने और चमकदार बनते हैं। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में इसे कई बीमारियों के लिए रामबाण भी कहा गया है। और ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आंवले को विटामिन सी का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। इसमें ना पॉलीफेनॉल जैसे यौगिकों से भरपूर लौह और सती जस्ता जैसे खनिज, कैरोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन निश्चित रूप से कई बीमारियों को दूर रख सकते हैं। जी हाँ, किंतु यदि वरदान भी आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया जाए तो उसे हानि हो सकती है। ऐसे में आंवला अधिक प्रयोग किया जाए तो ना ये स्वास्थ्य को खराब भी कर सकता है। ऐसे में बिना सोचे समझे ठंडी तासीर वाला आंवला ज़रूरत से ज़्यादा खाने पर ना हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, ये ज़रूरी है कि ना आप इसे खाएं ज़रूर, लेकिन सही मात्रा में, ठीक है? और हो सके तो किसी डॉक्टर या फिर डाइटिशियन की सलाह के बिना आप इसे खाने से बचें। तो आइए आज हम आपको बताते हैं आंवला के नुकसानों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप आंवले और साथी अदरक को एक साथ खाते हैं ना, तो इसका ख़राब असर आपके लीवर पर पड़ सकता है। ज़्यादा आंवला खाने से आपके लीवर में ना सीरम ग्लूटामिक पाइरूविक ट्रांसमिनेज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ना आपकी पाचन प्रक्रिया को ये परेशानी में डाल सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको चाहिए कि ना आप ज़्यादा मात्रा में आंवले का सेवन मत कीजिएगा। और ना दोस्तों, अधिक मात्रा में जब आप आंवले का सेवन करते हैं, ये पाचन को प्रभावित करके आपके पाचन को बिगाड़ सकता है। दरअसल मैं आपको बता दूं, ऐसा इसीलिए क्योंकि आंवला भी एसिडिक होता है और खट्टेपन के वजह से ना आंवला जो है एसिडिटी को ट्रिगर कर सकता है। इसीलिए अत्यधिक आंवला खाने से बचें, नहीं तो आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, जिससे कि दोस्तों यह आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है, साथ ही आपको सिरदर्द की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ज़्यादा आंवला खाने से बचिएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आंवला फाइबर से भरपूर होता है। ऐसे में इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से ना आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज भी हो सकता है। अधिक आंवला खाने की वजह से आपका जो मल होता है वो कठोर हो जाता है। ऐसे में अगर आप रोज़ाना आंवला खाते हैं ना दोस्तों, तो आपको पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए, ताकि दोस्तों आपको ना कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना ना पड़ सके। इसके लिए आपको जो है आंवले को सही मात्रा में खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों? इतना ही नहीं, हाइपरटेंशन और साथ ही किडनी की समस्या से जूझ रहे इंसान को आंवला नहीं खाना चाहिए। मतलब कि आपको आंवला खाना कम्प्लीटली अवॉइड करना होगा, क्योंकि इससे आपके शरीर का सोडियम स्तर बढ़ जाता है, जिसकी ना किडनी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से शरीर में पानी भरना शुरू हो जाता है और आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपको पहले से ही किडनी प्रॉब्लम है, तो ऐसे में दोस्तों आप आंवले के सेवन से बचिए, ठीक है? और ना दोस्तों, कुछ लोगों को आंवले से एलर्जी हो सकती है। इस फल से एलर्जी वाले व्यक्ति को ना पेट में एंटन, पेट में दर्द, मतली, उल्टी, दस्त और साथ ही आपके मुंह के आसपास सूजन के साथ ही खुजली भी होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, सिर दर्द और साथ ही चक्कर आने जैसे कुछ स्वास्थ्य संबंधी शिकायत भी आपको हो सकती है। इसीलिए अगर आपको इनमें से कोई भी एलर्जी हो रही हो, खास करके दोस्तों स्किन एलर्जी, तो आप इसका सेवन तुरंत ही बंद कर दीजिएगा, ठीक है? और आंवले में ना विटामिन सी होता है दोस्तों। ऐसे में से ज़्यादा मात्रा में खाने से ना आपको यूरिन में जलन हो सकती है, यहाँ तक कि कई लोगों को ना जो यूरिन होता है ना, उसमें दुर्गंध जैसी प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता है। ऐसे में आप यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते हैं, तो आंवले को ज़्यादा ना खाएं, सीमित मात्रा में खाएं, ठीक है? और कभी कभार ही खाइएगा। इसके अलावा आंवला जो है ना, आमतौर पर ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में हेल्प करता है। ऐसे में अगर आप दवाओं का सेवन कर रहे हैं, तो इसका सेवन थोड़ा कम कीजिएगा, ठीक है? और ना सर्जरी के दौरान और सती बाद में आंवला का सेवन करने से रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सर्जरी से कम ना 2 सप्ताह पहले आपको आंवले का सेवन बंद कर देना चाहिए, ठीक है दोस्तों? नहीं तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। और अगर आपको सर्दी जुकाम लगा हुआ है,
तो ऐसे में आंवले का सेवन मत कीजिएगा। आंवला जो है ना दोस्तों, सर्दी जुकाम को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। हाँ बिल्कुल, दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि आंवला में खट्टापन होता है ना, तो ये सर्दी जुकाम में गला ख़राब कर देता है, साथ ही खांसी को भी बुलावा देता है। इसीलिए सर्दी के मौसम में आप इसका सेवन करने से परहेज करें, खास करके तब जब आपको पहले से ही सर्दी जुकाम हो तब, ठीक है। और ना दोस्तों, आंवले के जूस को अदरक के रस के साथ लेने से ना थायराइड और गले से जुड़ी अन्य बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है, लेकिन अपनी ठंडी तासीर होने की वजह से सर्दी और खांसी में इसका सेवन करना गंभीर परेशानी में आपको डाल सकता है, और ख़ास करके थायराइड के मरीजों में बहुत ख़तरनाक होता है, और इसका सेवन सर्दियों में आपको नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं सेवन तो बहुत सीमित मात्रा में करें, थोड़ा भी ज़्यादा आप इसका सेवन मत कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आंवले से होने वाले नुकसान तब जब आप इसका सेवन अधिक करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं आंवले की तासीर क्या है और दिन में कब और कितना आपको आंवला खाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आंवला ना एक प्रकार का स्वादिष्ट फल है, मैंने आपको पहले ही बताया, आपने भी खाया होगा, आपको भी बहुत पसंद होगा, बहुत से लोगों का फेवरेट होता है आंवला। वैसे जिसमें आयुर्वेद के अनुसार ना लवण रस को छोड़कर 5 रस पाए जाते हैं, जिसमें अम्ल और कषाय प्रधान होता है। आंवले की तासीर शीत यानी कि ठंडी होती है, ठीक है, अर्थात इसके सेवन से ना शरीर जो है शीतल होता है, और आंवले का सेवन सुबह खाली पेट करना काफ़ी फायदेमंद होता है। ऐसे में रोज़ाना सुबह 1 से 2 आंवला आप खा सकते हैं। दिन में 2 आंवले से ज़्यादा आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में मौजूद विटामिन सी ना कब्ज़ की समस्या पैदा कर सकता है। इसके साथ ही आंवला खाने के बाद आपको दिन भर पानी पीते रहना है, ताकि दोस्तों आपका पेट ख़राब ना हो और साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ना फेस करना पड़े, ठीक है। और देखिए दोस्तों, याद रखिए, आप हमेशा जिस भी चीज़ को खाते हैं ना, उसकी मात्रा को हमेशा सीमित में रखिए, ताकि दोस्तों आप उसका फ़ायदा उठा सकें, ना कि नुकसान, ठीक है। इसीलिए कोई भी चीज़ को आप सीमित मात्रा में और लिमिट में खा के हमेशा अपने आप को हेल्दी और फिट बनाए रखिएगा।